हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आप लोग आज आदेश सुन चुके होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आदेश दिया कि 2 अप्रैल तक सभी संस्थान, सभी परीक्षाएं और जितने भी घूमने वाले स्थान हैं उन सबको बंद कर दिया जाए। तो इसी खबर को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी लोग तब से कॉल कर रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही दोस्तों। लेकिन आप लोगों के बार बार कॉल आने की वजह से ये क्लास लाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, क्योंकि सरकार का आदेश है कि 2 अप्रैल तक आपके कोई भी एग्ज़ाम्स वगैरह, जो भी विद्यालय खुले हैं, वो सब कुछ बंद कर दिए जाएं, बिल्कुल बंद रहेंगे। तो दोस्तों, इस बात पर सबसे बड़ी खबर आ रही कि BEO का एग्ज़ाम, जो कि आपका 22 तारीख को होने वाला था, 22 मार्च को होने वाला था, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ था। लेकिन मान के चलिए दोस्तों 100% कि अब आप लोगों का ये एग्ज़ाम जो 22 तारीख को होने वाला है, ये एग्ज़ाम अब नहीं होगा, खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम। लेकिन थोड़ा सा वेट और करिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा समय है, तो हो सकता है कुछ चेंजमेंट कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जो खबर है, क्योंकि सभी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, सभी संस्थान बंद किए जा रहे हैं, सभी जितने भी जहां लोग एकत्रित हो सकते हैं वो सभी स्थान बंद किए जा रहे हैं, और BEO का एग्ज़ाम मंडल स्तर पर होने वाला एग्ज़ाम है, यानी कि अलग अलग जगह के लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे, जो कि पूरी तरह से रोक लगा दी गई, ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हो सके। इस वजह से पूरा 100% मान के चलिए कि ये आपका एग्ज़ाम अब निरस्त, स्थगित हो गया। निरस्त तो नहीं कहेंगे दोस्तों, स्थगित हो गया है अग्रिम आदेश तक। इसके अलावा आप दूसरी बात आती है दोस्तों DLED एग्जाम की। DLED के 23 तारीख से एग्जाम होने वाले हैं, कुछ लोगों के 26 से एग्जाम होने वाले थे, और इसके अलावा आपके BSc BA के एग्जाम्स भी चल रहे हैं। कहीं कहीं से खबर आ रही है कि एग्जाम खत्म होने, एग्ज़ाम को स्थगित करने के यूनिवर्सिटीज़ ने आदेश कर दिए हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी खबर नहीं आई है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी से संपर्क करना होगा। देखिए, DLED के एग्ज़ाम तो PNP के माध्यम से होंगे, और जहां तक है DLED के एग्ज़ाम भी अब कैंसिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि प्रशिक्षण वगैरह सब कुछ ऑलरेडी बंद कर दिए गए हैं, रोक लगा दी गई है, जो कि कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसको देखकर ये सभी निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, साफ साफ लिखा है 2 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सरकार ने आज कैबिनेट की मीटिंग रखी थी, उसके अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाएं भी स्थगित होंगी, ये भी देखिए आदेश दिया सरकार की ओर से। बिल्कुल सटीक आदेश है, वही आपको बता रहे हैं। राहत बचाव अभियान चलाया जाएगा। धार्मिक गुरुओं से सरकार ने अपील की है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में भी भीड़ ना लगाएं, और हो सके तो इनको भी थोड़े समय के लिए बंद कर दिया जाए। इस अभियान में सभी लोग साथ दें। 5 प्रस्ताव पास हुए हैं, जो कि आपके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेन बात आपकी जो यही है कि कोरोना से की वजह से सभी, देखिए पर्यटन के स्थल जो थे, पर्यटक स्थल जो थे, वो भी 31 मार्च तक के लिए सरकार ने अग्रिम आदेश तक बंद कर दिए हैं। तो अब दोस्तों, पूरा पूरा आप लोग क्लियर मान के चलिए कि जो भी, जिन लोगों के भी एग्ज़ाम होने वाले थे, चाहे वो आपके एकेडमिक एग्ज़ाम हो या आपके BEO का एग्ज़ाम हो, DLED का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है, स्थगित कर दिए गए हैं। तो आप लोग अग्रिम आदेश तक जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। मेन बात यह है कि अब आपको तैयारी का आगे का मौका मिल गया है, आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, फिर से लग जाइए और पूरे अच्छे मन से तैयारी करने में जुट जाइए। पूरा आपके पास समय है, उसी के हिसाब से अपनी पूरी तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको सुबह करंट अफेयर की क्लास लाते हैं, 6:30 बजे क्लास होती है, उस क्लास में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस देते हैं। और अगर आपने उन क्लासेस को ना देखा तो लिंक नीचे दिया गया पूरी पूरी प्लेलिस्ट का, BEO का, CTET का, सुपर टेट का और करंट अफेयर का। तुरंत जाइए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, क्लासेस को देखिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों कल सुबह की करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।